एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग रहेगा जो मैं अपने चैनल पर डालूंगी। मैं यूज्ड टू नहीं हूँ ब्लॉग बनाने में, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपको इग्नोर करनी है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं दिन भर में क्या करती हूँ। तो दिन भर में मैं आज अपने स्किन के लिए क्या करूँगी, आज मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ, तो उसके पहले मैं अपने बालों पर क्या अप्लाई करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड हैं। मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी तो उसकी वजह से दे आर रियली डैमेज। तो मैं क्या करती हूँ वो बताऊँगी आपको बालों के लिए। फिर मैंने मिस्टर DIY से कल कुछ चीज़ें खरीदी जो कि आप उसमें हेयर बैंड्स और घर की कुछ चीज़ें हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और क्या करूँगी, और मैं खाना क्या बनाऊँगी वो भी दिखाऊँगी। तो चलो आज दिन की शुरुआत करते हैं साथ में। चलो पहले तो मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के 2 हो रहे हैं और मैंने अभी अभी डिसाइड किया कि मैं एक व्लॉग बना रही हूँ, अ डे इन माई लाइफ। एंड यस, तो चलो भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाते हैं। वैसे आई एम प्लानिंग टू मेक कचौड़ी, तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कचौड़ियाँ कैसे बनाती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी वियर्ड आ रही है बिकॉज मुझे ज़ुकाम है, आई एम नॉट वेल, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, तो इग्नोर करना उसे भी। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अभी खाना बना रही हूँ कचौड़ी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने किचन में और ये मेरी क्यूट सी चप्पल है जो मैं हरदम पहन के रखती हूँ बिकॉज आई फाइंड देम रियली कंफर्टेबल। और अब मैं आटा गूंथूंगी, जिसमें मैंने पहले तो थोड़ा सा नॉर्मल व्हीट का आटा लिया है और फिर मैदा मिक्स कर कर उसमें ऑयल गरम करके डालेंगे, जिससे जो कचौरियाँ होती है वो खस्ता कचौरी बनती है। तो इसमें हम ऑयल हीट कर कर डालते हैं थोड़ा वार्म, और थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर पानी से हम इसे गूंथ लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सौंफ और थोड़ी कोरिएंडर सीड्स और थोड़ा सा जीरा डालकर उसे कूट लूंगी। और यहाँ पर मैंने मिक्सर में पेस्ट बना लिया है धनिया का, और उसके साथ मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची डाली थी, तो यहाँ पर मिक्सर में मैंने वो पीस लिया। सबसे पहले ऑयल में हमने जो कूट बनाया था वो डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे पेस्ट जो हमने बनाया था। और इसमें आप अपने कोई भी मसाले डाल सकते हैं, मैंने इसमें डाला था सॉल्ट, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और उसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और फिर मैंने ऊपर से डाला था बेसन। तो मैं कचौरी बना रही थी और मैंने वो मसाला रख दिया है थोड़ी देर सिकने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। जैसा कि आप देख सकते हो सब कुछ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सो यस लेट्स just clean it। अभी मैंने बेड भी बना लिया है एंड आई एम फीलिंग टायर्ड, मेरी तबीयत ठीक से नहीं लग रही है। एंड अब मुझे कचौड़ियाँ भी बनानी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने मसाला प्रिपेयर कर लिया है, डो बना के रख दिया है कचौड़ी के लिए, बट मुझे माइग्रेन का हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने पर्दा बंद कर दिया बिकॉज पता नहीं मेरा सर पहले ही दुख रहा है और लाइट की वजह से और दुख रहा है, और उसमें यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइट है जो मैंने शूटिंग की वजह से ऑन कर रखी है। सो यस, मैं पर्दा बंद कर दिया है, आई डोंट वांट नेचुरल लाइट फॉर नाउ। एंड हाँ, तो जैसे कि आप बैक साइड में देख सकते हो ये मेरा कबर्ड है जो पूरा बंद नहीं होता। बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत कपड़े हैं और ये रेंटेड स्पेस है वेयर आई कैन नॉट गेट वन मोर कबर्ड, जिसकी वजह से आई हैव टू एडजस्ट इन दिस। अगर मैं अभी खोलूँगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ऑन कैमरा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी अपने साथ। तो वो कबर्ड बंद बिल्कुल नहीं होता जैसे कि आप देख सकते हो, और किसी और दिन मैं अपनी बेइज्जती करवा लूँगी क्योंकि
मैं जितना भी चाहूँ उसे मैं अच्छे से लगा कर नहीं रख सकती हूँ ऑर्गेनाइज करके, बिकॉज स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दिस कबर्ड। तो मैं किचन में आ गई थी वो मसाला चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत देर से मैंने छोड़ के रखा था उसे किचन में। तो यहाँ पर मैंने वो मिक्स कर दिया है, और फिर पानी थोड़ा सा डालकर और फिर से मिक्स कर कर ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत हल्का हल्का सा पानी डालना होता है यहाँ पर। और ये जो कचौरी मैं बना रही हूँ ये विदर्भ स्टाइल है, और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ चेयर पर, और मसाला भरकर अब कचौरियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पर मोदक की तरह आपको बना लेना है, फिर बेलना है गोल। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और फिर फ्राई कर देंगे इसे। यहाँ पर हो रही है कचौरियाँ फ्राई, और इसके बाद मैं बनाऊंगी लस्सी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डाला था, और लस्सी बनाकर वो इस ग्लास में डाल रही हूँ। वो मैंने शूट नहीं किया पार्ट क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, और ये मैंने आइसक्रीम डाल दी है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो यहाँ पर कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं, जो है विदर्भियन स्टाइल। और मैं पुणे से हूँ, हाल फिलहाल पुणे में रह रही हूँ, और यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी कचौड़ियाँ नहीं मिलती हैं, मसाला डिफरेंट होता है। तो चलो जल्दी से मैं खा लेती हूँ ये कचौड़ियाँ और ये प्यारी सी मीठी सी लस्सी। तो मैंने अभी कचौरी खा ली और लस्सी भी पी। मैंने लस्सी भी बनाई थी क्योंकि बहुत गर्मियाँ बढ़ गई है तो कुछ ठंडा सा पीने का मन कर रहा था। जुकाम है, कफ है, स्टिल मुझे कुछ ठंडा चाहिए था। तो मैंने लस्सी बनाई, लस्सी पी और कचौरियाँ खा ली। और मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, सो आई विल जस्ट टेक रेस्ट फॉर सम टाइम और फिर मैं बालों पर कुछ लगाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हर बार हर वीक में बालों पे क्या लगाती हूँ बिफोर बिफोर वॉशिंग माई हेयर। तो मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया अभी और अब मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं आपको मिस्टर DIY से मैंने क्या प्रोडक्ट्स बाय किए थे वो दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे क्लोजअप में कि मेरे पास यहाँ क्या क्या है, एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो द प्राइजेस कि मैंने कितने में क्या परचेज किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी 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 जल्दी। तो सबसे पहले ये फ्रेम है जो कि है ₹75 का। येस, दिस वन इज़ फॉर ₹75। कैन यू बिलीव इट, द क्वालिटी इज़ रियली गुड। फ्रंट में यहाँ पे प्लास्टिक फाइबर दिया हुआ है, इट्स नॉट अ ग्लास, बट द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। सी, तो ये फर्स्ट थिंग थी। नेक्स्ट इज दिस दिस मिरर, ये बैक में भी मिरर है और ये मैं यूज़ करती हूँ जब मैं आईब्रो करती हूँ तब, और इसका प्राइस है ₹115। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस क्यूट हेयर बैंड। ये हेयर बेल्ट है और इस पे यूं बो है। आई लव द डिज़ाइन और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था, और ये है ₹85 की। इसके बाद मेरे पास कुछ बो है, स्क्रंचीज हेयर बैंड, और दिस वन इज़ फॉर ₹33। और ये वाला लिया है मैंने ₹27 का। नेक्स्ट मेरे पास और एक हेयर बेल्ट है विच इज़ फॉर ₹55। और मेरे पास है ये फ्लेमिंगो शे फ्लेमिंगो इस पे बना हुआ है, और ये कॉम्ब है जो मैंने ली है ताकि मैं कैरी कर सकूं जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो इसे मैं पर्स में रख दूंगी एंड इट विल बी इजी फॉर मी टू कैरी। एंड ऑल्सो ये है लिखा हुआ हेलो समर एंड देर इज अ फ्लेमिंगो एंड आई जस्ट लव इट। और इसका प्राइस मैंने आपको बताया ही नहीं, इट्स फॉर ₹65। लिखा किड्स हेयर ब्रश है बट स्टिल आई लव्ड इट सो आई बॉट इट। नेक्स्ट है ये कैनिस्टर, ये टिन कैनिस्टर है जिसका प्राइस है ₹180। और मेरे पास ये हैं तीन कलर्स में, फर्स्ट वन वॉज दिस लेवेंडर, देन दिस पेस्टल पिंक, और फिर मेरे पास है ये ग्रीन। ये मुझे तीनों कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं टी लवर हूँ तो मैं एक में चाय पत्ती रखती हूँ और दूसरे में शक्कर और ऐसा कुछ कुछ। और ये मैंने क्लॉक ली है विच इज़ फॉर ₹350।
इस पे कहीं लिखा नहीं है, बट आई एन रिमेम्बर द प्राइस क्योंकि ये कल ही खरीद के लाई हूँ मैं, तो ये 350 रुपीज़ की है। तो इतना सा था मेरा मिस्टर डीआईवाई का हॉल वीडियो। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था। इसमें जो कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, स्पेशली दीज हेयर बैंड्स और ये स्क्रंचीज, ये जो हेयर बैंड्स हैं, हेयर बेल्स हैं, एंड दिस क्यूट लिटिल कॉम, और ये मिरर और ये फ्रेम, इनकी सबकी प्राइस अगर आप खरीदते हो बाहर से, वन थिंग कितने में मिलता है। सेकंड थिंग, मिस्टर डीआईवाई से जो भी मैं प्रोडक्ट्स लेती हूँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले खरीदी हैं मिस्टर डीआईवाई से, पर क्योंकि मुझे उनका प्राइस नहीं पता इसीलिए मैंने आपको अभी दिखाई नहीं। तो यूजुअली मैं वहाँ से ख़रीदती रहती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ तो एक बार मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ। मैं पुणे से हूँ तो यहाँ पे नियर बाय, मुझे मेरे घर से नियर बाय है एक मॉल जहाँ पर मिस्टर डीआईवाई है, और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं विज़िट करूँ मिस्टर डीआईवाई और फिर कुछ ना कुछ मैं ख़रीद लेती हूँ। मेरे पास और भी कुछ ज्वेलरी है, पीसेज हैं जो मैंने मिस्टर डीआईवाई से ख़रीदे हैं। अब मेरे पास एक एंकलेट भी है जो मैंने अभी वेयर कर रखा है, वो भी मैंने वहीं से ही ख़रीदा था, बट बिकॉज़ आई डोंट नो द प्राइस तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। और इस वक्त मुझे ढूंढने पड़ेंगे और ज्वेलरी पीसेस जो मेरे कबर्ड में होंगे, और वो भूल भुलैया है, भूल भुलैया। तो मेरे कबर्ड से चीज़ें ढूंढ कर निकालना इज़ लाइक भूल भुलैया से जाकर रास्ता ढूंढना, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। सो दिस वॉज अ स्मॉल हॉल काइंड ऑफ थिंग इन दिस व्लॉग। सो यस, दैट वॉज ऑल फ्रॉम मिस्टर डी आई वाई जो मेरे पास था। एंड कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें से, और क्या आप भी मिस्टर डी आई वाई से परचेज करते हो चीज़ें, और नहीं करते हो तो एक बार ज़रूर विजिट करना। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे काम की मिल जाएगी, क्योंकि मिस्टर डी आई वाई में हमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि यूटिलिटी, आपको अगर कंटेनर या ये चीज़ें चाहिए वो भी मिल जाएगी, होम डेकोर की, आपके पर्सनल यूज़ की। और तो अपने बालों पे मैं अभी क्या अप्लाई करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये प्रोडक्ट आई एम यूजिंग फ्रॉम अराउंड 2 ईयर्स, तो मैं एप्पल साइडर विनेगर अप्लाई करती हूँ अपने रूट्स में स्पेशली। सो दिस इज़ द एप्पल साइडर विनेगर दैट आई यूज़। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मेन थिंग अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना चाहते हो तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि वो विथ मदर विनेगर हो, बिकॉज उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हेयर फॉल रुकने में हेल्प करेगी। और अगर आप हेयर फॉल के लिए डेफिनेटली अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर दिस वन। और ये हेल्थ फिट की तरफ से, और ये मुझे ऑफर में मिला था अमेजोन पे अराउंड 350 और 250, आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस। पर जब आप ये एक बार ख़रीदोगे तो अराउंड 6 to 8 months तो आराम से चल जाएगा। सो आई विल जस्ट पोर इट अ लिटिल बोल, और फिर कॉटन की हेल्प से हम अपने स्कैल्प पे इसको अप्लाई कर लेंगे। इससे डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी ख़त्म होता है, और आपके जो स्कैल्प है उसका पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है। सो लेट्स अप्लाई दिस इनटू आवर हेयर, इनटू द रूट्स। अब अपने इन्हें बालों पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ से हो रखे हैं, तो मैं अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ ये वाव का हेयर ऑयल विच इज़ आर्गन ऑयल। और ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों को मॉइस्चराइज कर देता है, और मैं ये अपने बालों पर अप्लाई करूँगी, और स्कैल्प पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। और ये रूटीन मैं अराउंड 1 ईयर से फॉलो कर रही हूँ, दिस इज़ द सेम रूटीन दैट आई फॉलो एवरी वीक। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड, और अब मैं जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेती हूँ। अप्लाई कर लिया है ये आर्गन ऑयल अपने बालों पर, और मैंने स्कैल्प पर अप्लाई किया एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपको भी हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपके जो हेयर एंड्स है, जो आपके स्पेशली बाल हैं,
वो ड्राई हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे बालों पर एप्पल साइडर विनेगर अप्लाई करो, आप रूट्स में अपने स्कैल्प पे सिर्फ अप्लाई करो एप्पल साइडर विनेगर, विच विल हेल्प यू रिड्यूस योर हेयर फॉल। और आपके बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, और ये जो ऑयल है ये मेरे बालों पर बहुत सूट होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रफ़ हैं और बहुत हेयर फॉल होता है क्योंकि वो ड्राई हैं, तो आप ये वाला हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने बहुत वक्त पहले ख़रीदा था जब न्यू न्यू ये लॉन्च हुआ था तब। अभी तो इसकी पैकेजिंग भी शायद चेंज हो गई है जितना मुझे पता है। तो यस, चलो अब इसे थोड़ी देर रहने देंगे अपने बालों पर, अराउंड हाफ आवर या 1 घंटे तक मैं रहने दूंगी। तो मैंने अभी अपनी अपनी जगह पर सब कुछ रख दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम है, और इस वक्त मुझे यहाँ और यहाँ एक्टिव पिंपल्स हैं जो अभी अभी आए हैं। मैं एक फेस मास्क अप्लाई कर रही हूँ जिसके लिए मैंने लिकोरिस पाउडर यूज़ किया है जो मैंने पर्पल एप्लीकेशन से मंगवाया था, और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और पानी मिक्स किया है, और वो फेस मास्क मैं अभी अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से टोन कर लूँगी, जिसके लिए मैं रोज़ हिप टोनर यूज़ कर रही हूँ। कॉटन की हेल्प से मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो ताकि जो हम फेस मास्क अप्लाई करें वो अच्छे से हमारे पोर्स में जाए और अपना काम करे। अगर आपके फेस पर डर्ट है तो आपका जो फेस मास्क है वो वर्क नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो कभी भी फेस मास्क अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। जो मैं देसी तरीके से अप्लाई करूँगी, नॉट बाय एनी ब्रश और एनी थिंग। फेस मास्क अप्लाई अपने फेस पर, अब इसे हम रहने देंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। इसे मुलेठी भी कहा जाता है लिक्रिस पाउडर को, और वो आपकी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स हटाने में हेल्प करता है, और एक्ने को फाइट करने में भी हेल्प करता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर दिस पाउडर, आप पर्पल एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। जो मैं यूज़ किया है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगी, आप चेक कर लेना कि मैंने कौन सा पाउडर यूज़ किया है। आई बिलीव ये गुड वाइब्स की तरफ से था, बट आई विल चेक और मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं जस्ट अभी नहाकर आ गई हूँ, और मैंने लिप्स पर ये वादी का लिप बाम लगाया है। ये आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने फेवरेट्स में हर किसी वीडियो में बताया है कि आप पर्पल से खरीद सकते हो, अमेजोन से खरीद सकते हो, बिकॉज इट इज़ सच अ गुड लिप बाम। ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, और मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं। आई एम यूजिंग दिस निविया का पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन। नेक्स्ट मेरे फेस के लिए आई एम यूजिंग द सेम मिस्ट टोनर जो हमने मॉर्निंग में यूज़ किया था। इसे मैं एब्सॉर्ब होने दूंगी अपने स्किन में, और फिर अप्लाई करेंगे हम लोग पॉन्ड्स का ये वाला हेलोरोनिक एसिड के साथ जो मॉइस्चराइजर आता है जेल फॉर्म में, दैट वी विल अप्लाई। एंड यस, नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश फील होता है। एंड अभी शाम हो गई है, तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो शाम को नहाते हैं और उन्हें इस चीज़ के लिए गालियाँ पड़ती है, कमेंट कर कर ज़रूर बताना। स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स होते हैं वो शाम को नहाते हैं, अगर वो मेरी तरह आलसी हो तो। यहाँ मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जॉय का, तो मैं जॉय का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम 3-4 ईयर्स आई बिलीव, एंड आई जस्ट लव इट। मैंने दूसरे ब्रांड्स के यूज़ किए हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र मैंने पहले यूज़ किए हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे वो फेमस बहुत हैं, लेकिन आई डोंट लाइक देम बिकॉज थोड़ी देर में फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, बट दिस मॉइस्चराइज़र वर्क्स
सो अमेजिंग फॉर मी. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और अफोर्डेबल आप मॉइस्चराइजर चाहते हो देन गो फॉर दिस, इट्स अमेजिंग. सो आई यूज इट. अभी जैसे कि आप देख सकते हो टोनर एब्जॉर्ब हो गया है मेरे स्किन में. अब मैं ये जेल यूज़ करूँगी अपने फेस पे. भाई खुल भी नहीं रहा है, सही में ज़िंदगी बर्बाद कर दी है सब लोगों ने मेरी. अब मुझे ना वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, किसी से खुलाना पड़ेगा और फिर मुझे वापस. तो मैं आ गई. ये अब हम अप्लाई करेंगे. एंड अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन क्या फिर ऑयली है तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो. अदरवाइज इसका मॉइस्चराइजर क्रीम आता है वो ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, आप वो ट्राई कर सकते हो. बट आई जस्ट लव इट और मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप में आती है सो आई यूज़ दिस जेल. अब मैं जो अपने बाल हैं वो थोड़े सुखा लूँगी बिकॉज ये अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए तो बहुत वक्त लगा देंगे ड्राई होने में. सो आई यूज माई ड्रायर और मैं इन्हें थोड़ा सा सुखा लूंगी. तो अब मैं अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ बी ब्लेंड की तरफ से ये सीरम. एंड इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. आर्गन ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, होहोबा ऑयल है और विटामिन ई है. सो आई जस्ट लव यूजिंग इट क्योंकि आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है. और ये आपको डैम्प हेयर पे अप्लाई करना चाहिए है जब आपके बाल बहुत गीले भी ना हो और पूरे ड्राई भी ना हो, तब आप अप्लाई करोगे तो इसका अच्छा इफेक्ट दिखता है. और मैं इन्हें अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर लेती हूँ फॉर दैट शाइन. और मेरे बाल क्योंकि डैमेज लगते हैं आजकल बिकॉज मैंने 2 बार स्ट्रेटनिंग करवाई है जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत डैमेज लगते हैं. सो आई एम बैक. मैंने ये पर्ल नेकलेस वेयर किया है और ये हेयरबेल जो आज मैंने आपको दिखाई थी मैंने मिस्टर डीआईवाई से ख़रीदी है वो मैंने पहन ली है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे बाल बार बार मेरे फेस पे. और मैं ये आई एम्स्टरडैम की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन शेड 43. येस दिस इज़ हाउ आई लुक विदाउट मेकअप. और जब मैंने फेस मास्क अप्लाई किया था उसके बाद मैंने फेस पर सिर्फ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. लाइक आई जस्ट अप्लाइड अ टोनर एंड दैट मॉइस्चराइजिंग जेल फ्रॉम पॉन्स और मेरे स्किन पर और कुछ भी नहीं है. सो दिस इज़ हाउ आई लुक विदाउट मेकअप. और मैंने जो बाल हैं वो सुखाए हैं बट दे आर कम अभी तक के फिर भी वो गीले हैं जैसा कि आप देख सकते हो. अपने फेस के लिए भी जो मैंने आपको बताया फेस मास्क आप वो ट्राई कर सकते हो, एक्ने पिगमेंटेशन के लिए बहुत हेल्प करता है. और आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो बिकॉज मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ जिसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. सो शी इज़ वर्किंग आउटसाइड और मैं जो वीडियो है वो हॉल में शूट करती हूँ तो मेरे पास स्पेस नहीं है टू शूट अ वीडियो. आई कॉन्ट शूट अ वीडियो इन दिस बैकग्राउंड बिकॉज अगर आप मेरे वो वीडियोज़ देखोगे तो उसमें बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट. सो आई कॉन्ट शूट इट इन दिस बेडरूम, इट डजेंट लुक गुड. सो आई एम थिंकिंग नॉट टू शूट अ वीडियो बिकॉज सुबह से आई एम जस्ट शूटिंग दिस वीडियो और अब आई एम ट्राइंग टू एडिट इट और मैं एडिट कर अपलोड कर दूँगी. ट्राई करूँगी कि आज ही अपलोड कर सकी तो आज ही कर दूँगी. अगर आपको ये व्लॉग ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना. और अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपके लिए ऐसे ही व्लॉग्स लाती रहूँगी. सो यस चलो अब मैं चाहती हूँ एंड आई जस्ट टेक सम रेस्ट. आई मेक टी फॉर मी पर वहाँ पर मैं अब कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ बिकॉज एक दिस कैरिंग दिस ट्राईपॉड इज डिफ़िकल्ट फॉर मी. मतलब मेरे से हो नहीं पा रहा है बिकॉज इट्स न्यू. मैं वीडियो शूट करती हूँ उसमें मैं एक जगह पर सारा कुछ लगा कर बैठ जाती हूँ शूट करने, पर यहाँ पर जब आपको बार बार इधर से उधर जाना है तो लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है या क्या तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है. अदरवाइज़ मैं और ये व्लॉग को लंबा कर सकती थी बिकॉज मैं रात को 3 बजे से पहले सोती नहीं हूँ तो 3 बजे तक और बहुत कुछ करूँगी. बट आई कॉन्ट शो यू बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा. सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू लाइक दिस. एंड I'll see you in my next video. Till then, take care, guys. Ta-ta!